60 साल के ऊपर जो लोग हैं उनकी बंदूकें जो जमे करना क्या कि उनकी बंदूकें हम विड्रा करेंगे. तो उसी पर हमने उस दिन एक मीटिंग जम्मू के अंदर बुलाई. मैं जम्मू में था, एमरजेंसी एक मीटिंग बुलाई. मीटिंग बुलाने के बाद हमने 19 तारीख को 19 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जम्मू में दी. उसके बाद हम 20 तारीख को डीजी के साथ मिले. 22 तारीख को गवर्नर को जो मेमोरेंडम हमने दिया कि इस वीडीसी को विड्रा न किया जाए, क्योंकि वीडीसी किस काम के लिए बनी थी. 90 के अंदर जब यहाँ पर मिलिटेंसी बिल्कुल जोरों पर थी, उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर एक आंदोलन शुरू हुआ, डिस्ट्रिक्ट डोडा बचाओ आंदोलन, जो कम से कम एक महीने चला, जिसमें हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वहाँ पर यानी क्या बोलते हैं जी गुरुदारी दी. लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जम्मू कश्मीर की तमाम बीजेपी और जो भी जम्मू कश्मीर राष्ट्रवादी संगठन है उन्होंने हमको सपोर्ट किया, क्योंकि ये हालात थी यहाँ पर, उतनी फोर्सेस नहीं थी कि घर घर फोर्स भेजी जाए. वीडीसी का कयाम हुआ और वीडीसी के बनने के बाद एक वातावरण जो है इस तीनों डिस्ट्रिक्टों के अंदर एक अच्छा रहा, आपस में भाईचारा रहा, मास किलिंग यहाँ पर रुकी और माइग्रेशन भी रुकी और आपसी भाईचारा भी रहा. इस फैसले के खिलाफ काफ़ी आंदोलन भी किया हमने, चाहे वो जम्मू के अंदर था, चाहे ठाठी के अंदर किया हमने, कल मुगल मैदान के अंदर किया, किश्तवाड़ में किया, बाकी जगहों पर भी करने की तैयारी की जा रही थी. तो हम गवर्नर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने रात को ये फैसला ले लिया कि वीडीसी जो के वेपन जो हैं विड्रा नहीं किए जाएंगे, मगर यहीं पर हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि पिछले जब से वीडीसी बनी है बहुत सारे एसपीओ जो है हमारे विड्रा किए इन लोगों ने. जब तक वो बहाल नहीं होते हैं हमारी कंटिन्यू क्या बोलते हैं जी प्रोसेस चलता रहेगा. मगर आज का जो फैसला है इससे हम गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, दिल्ली सरकार का कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हमारी पार्टी ने भी काफ़ी इस पर क्या बोलते हैं कोशिश की और जिसके बावजूद ये फैसला